आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिष्णा यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। झांसी पहुंचे सीएम योगी का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने फूल देकर स्वागत किया। इसके बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री का काफिला सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गया। मुख्यमंत्री ने महेश्वरी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसी के साथ सीएम ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का उद्घाटन भी बच्चों से करवाया। बुंदेलखंड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी रविवार को ललितपुर भी जाएंगे। बता दें कि सीएम योगी झांसी और ललितपुर के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए झांसी पहुंचे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले के स्वास्थ्य सेवाओं की नब्ज टटोलने आए सूबे के पर्यावरण वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना को सब कुछ दुरुस्त मिला, जिसके बाद उन्होंने इसकी सराहना की और वार्डों में जाकर मरीजों का हाल चाल लिया और उनको खाने के लिए फल दिए। इस दौरान उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम, मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग और इमरजेंसी वार्ड का भी विधिवत निरीक्षण किया। बता दें कि इस मौके पर सांसद संगम लाल गुप्ता, सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, जिलाध्यक्ष हरिओम के साथ काफी संख्या में मेडिकल स्टाफ मौजूद था। आप सांसद संजय सिंह के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में दो जनपदों में घटी घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बता दें कि ललितपुर में किशोरी के साथ थाने में बलात्कार और चंदौली कांड को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर खूब हंगामा किया गया। दोनों घटनाओं में जल्द ही गिरफ्तारी और सीबीआई जांच मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। नए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव का कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही जिले के अधिकारियों की कार्यशैली का निजाम बदलने लगा है। शनिवार को सलोन के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जहां पर फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए टीम गठित की गई, जिससे 117 शिकायतें आई, जिसमें ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जमीन संबंधी बात भी है, उनमें से कई सारे न्यायालय में मुकदमे भी चल रहे हैं, दीवानी में भी, राजस्व में भी, तो एक तो उसको निस्तारण करने की जरूरत है। बाकी कुछ और विवाद मकान संबंधी भी आए हैं, आवास हाँ, आवास के आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र है, परिवार लाभ के लिए है, राशन की समस्या कुछ लोगों ने बताई है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि यहाँ पे एक तो सभी जिला स्तरीय अधिकारी, जैसे शासन की मंशा है, वो लोग आए हैं, उपस्थित है, और जो भी समस्याएं आई हैं उनका मौके पर अधिक से अधिक निस्तारण हो पाए और सही हो पाए, गुणवत्तापरक हो पाए। संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने कंपोजिट विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कई बच्चों से बातचीत की और बच्चों को मेहनत से पढ़ने के लिए कहा। इसके बाद स्कूल की पेयजल व्यवस्था, शौचालय, स्मार्ट क्लास और रसोई को भी चेक किया गया। इसी के साथ अधिकारी ने प्रधानाध्यापक से बच्चों का खास ध्यान रखने की बात भी कही। रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। अभियान से पहले सभी दुकानदारों को दो दिन का समय भी दिया गया और सभी दुकानदारों से कहा गया कि वह दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण 9 मई तक हटा दे। जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर अतिक्रमण स्वेच्छा से नहीं हटाया गया तो 10 मई को जिला प्रशासन बुलडोजर चलाने पर मजबूर होगा। रायबरेली जनपद के शहरी क्षेत्रों में लोगों के आवागमन इत्यादि में जो असुविधा हो रही है, उसके दृष्टिगत रखते हुए मेन चौराहे और मेन मार्केट्स में, जहां पर कि लोगों के द्वारा अपनी दुकानों से बाहर आकर के सामान इत्यादि रख दिया जाता है, जिसकी वजह से सकरा मार्केट होता है और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों से, मीडिया के बंधुओं से और व्यापार मंडल से इस अनुरोध के साथ में अपील करा रहे हैं कि जिनके द्वारा इस प्रकार के अतिक्रमण किए गए हैं उसको स्वयं से हटा लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में मंगलवार से हम इस पर अपनी वैधानिक कार्रवाई करेंगे और उनके सामानों के जब्तीकरण के साथ साथ में नीलामी की भी कार्रवाई करेंगे।
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के पैतृक गांव मढौली निवासी बुजुर्ग महिला और पुरुष ने जमीनी विवाद को चलते समाधान दिवस के दौरान जिला अधिकारी सेल्वा कुमारे जे और SSP कलानिधि नेथानी को एक पत्र देकर इच्छा मृत्यु की मांग की, जिसके बाद संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा पीड़ित बुजुर्ग की समस्या का संपूर्ण समाधान होगा। सुन रहा हूँ तुम्हारी कोई कोई ना सुन रहा। आप विधवा हैं? हाँ, विधवा। बालक कितने बड़े बड़े हैं आपके? बालक ये को कंपनी जाते हो वो वैसे काला नगर। तो जमीन पर निर्माण नहीं करने दे रहे कोई? हाँ, लोग कोई ना करने छोटे हमें और हमारी छोटी भैया के लिए बहू के लिए क्या कहते इच्छा मृत्यु का वरदान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब न्याय नहीं मिलता हमें। न्याय नहीं मिल रहा आपको? हाँ। जय मारे आपने अच्छा मृत्यु मांगी है। और मामला ये है, मेरी पैतृक संपत्ति है, ये मेरे पिताजी हैं, बड़े बूढ़े हैं और जो पड़ोसी है वो मेरी जमीन पर निर्माण नहीं करना देता है और वो चाहता है कि मेरे को ये जमीन मिल जाए, मेरी अपनी जमीन बताता है उसने। और अधिकारी हैं जो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, जाते हैं हाँ हम करेंगे ये बोलते हैं, 2.5 साल से गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को। बस में आज यहाँ पे क्योंकि सभी लोग यहाँ पे क्षेत्र भर से जो भी समस्याएं हैं रहती हैं, तो मैं भी आज तहसील दिवस में सम्मिलित हुआ और सब लोगों की बैठ करके समस्याएं ली हैं। जो भी संबंधित अधिकारी थे सभी लोगों को निर्देशित कर दिया है और जो मेरे स्तर पे या फिर शासन से ठीक होने वाली चीज़ें हैं उन सभी लोगों को ले लिया है, एप्लीकेशंस को ले लिया और मेरा प्रयास रहेगा इनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। मुरादाबाद जनपद के नागफनी थाना क्षेत्र के नवाबपुरा में एक किराना स्टोर पर छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम ने दुकान में रखे सामानों को चेक किया। टीम ने गाय और भैंस को लगाए जाने वाले ऑक्सीटोसिन को भारी मात्रा में बरामद किया। औषधि विभाग के अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि दुकान में 216 वायल प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन बरामद की गई है और दुकान के खिलाफ एक्शन लिया गया। हमने कल एक अपने व्यक्ति को यहाँ पर सलीम किराना स्टोर सैनियों वाली गली नवाबपुरा में भेजा, जिसने वहाँ परचेस किया। हमारी टीम ने पूरी निगाह रखी और हमने टीम बनाई एक औषधि निरीक्षक श्री मुकेश जैन मुरादाबाद और एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धीरज कुमार के साथ पुलिस बल के साथ उसके किराना स्टोर में दबिश दिया है और वहाँ पर जो है 216 वायल प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन का बरामद हुआ है, जिसको सीज करके और अभियुक्त सलीम पुत्र श्री अब्दुल लतीफ निवासी सैनी वाली गली के खिलाफ माननीय न्यायालय में परवाद दाखिल किया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां दिन दहाड़े बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के लोहिया नगर क्षेत्र में पुलिस बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर की बाइक पर एक व्यक्ति आया जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से कंट्री मेड पिस्टल बाइक और कारतूस बरामद किए। वहीं पुलिस अब यह जानने में जुटी है कि गैंग में और कौन कौन शामिल था और उसने कितनी वारदातों को अंजाम दिया। बता दें घायल बदमाश और कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोहिया नगर चौकी क्षेत्र थाना सियानी गेट में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक बिना नंबर प्लेट की बाइक दिखाई दी। जब उसको पुलिस वालों ने रोकने के लिए कहा तब उसने हमदर्द मैदान की तरफ बाइक घुमा ली और जब पुलिस ने आगे उसका पीछा करा तो उसने पलट के फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। इस व्यक्ति के जवाबी फायरिंग में इस व्यक्ति के पाँव में गोली लगी है। जब पुलिस ने इसको तस्दीक करा तो इसका नाम सूरज सन ऑफ मदनपाल मिला है, जिसके ऊपर 7 मुकदमे हैं जो कि जनपद गाजियाबाद के हैं, लूट और चोरी के मुकदमे हैं। ये टॉप 10 अपराधी भी है। इसको तुरंत ही घायल को और पुलिस वाले को तुरंत ही अस्पताल इलाज के हेतु भेज दिया गया है। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 6 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती का एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में एक मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती पर मौजूद एम्बुलेंस में तेल नहीं होने की वजह से मरीज को ठेले पर ले जाने का मामला था। इस मामले में CMO ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती के सभी स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के वायरल वीडियो को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश है, जिसे लेकर स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे हैं। PHC का एमआईसी का काम धाम करने का तरीका जो है बहुत बहुत गलत है जी। मरीजों का यहाँ उत्पीड़न होता है, समय से इलाज नहीं होता,
जी थोड़े से एक 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 फार्मासिस्ट है वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, बकिया लोगों का ड्यूटी जो है अपने दायित्व का पालन अनुपालन नहीं करते हैं जी। छोटा छोटा सी चोट लगता है तो तुरंत ही रेफर करते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ सही नहीं है जी, फर्जी आईडी बना करके उसका जो है पेट्रोल की चोरी की जाती है जी जी, तमाम तरीके के दिक्कतें हैं। अगर जांच इसकी हो जाए तो सारे सारे दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, और इन लोगों की जांच जरूरी है, और इन लोगों का जो कार्यक्रम जो धरना का दिया गया है बिल्कुल अनुचित है कि यहाँ तमाम मरीज आकर और लौट कर जा रहे हैं सिर्फ डॉक्टर साहब के वजह से जी, और इन लोगों के लिए हम लोग धरने पर आज बैठे हैं जी जी, डॉक्टर साहब के वजह से हम लोग धरने पर नहीं बैठे हैं जी, अपने गाँव के गरीब मजदूर और मरीजों के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, और आज के डेट में ही डॉक्टर साहब इलाज करें इन लोगों का जो धूप में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं। खबर देवरिया से है जहां गरीबी की मार झेल रहे एक परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। इसके लिए सामाजिक संस्था स्वच्छ भलुवनी स्वस्थ भलुवनी ने जिले के सम्राट लोगों से आर्थिक मदद की अपील की है। दरअसल इस परिवार की जीविका चलाने वाले एक सदस्य राजू प्रसाद की कुछ दिनों पहले पैर में घाव होने से कमाई का जरिया छूट गया, जिससे एक परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।